पहले सुबह महकमा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने जल समाधि ले ली है। मामला गोड्डा जिले के महकमा विधानसभा क्षेत्र का है। यहाँ के सांसद निशिकांत दुबे है। दरअसल महरमा से पीरपैंते जाने वाले NH 133 की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। गंगा नदी का पानी बरसात में सड़क पर आ गया है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हैं। उसी एक गड्ढे में विधायक दीपिका पांडे सिंह ने जल समाधि ले ली है। उनका कहना है कि जब तक इस सड़क पर मरम्मति का काम शुरू नहीं हो जाता वो पानी में ही रहेंगी। मामला आप हमसे बेहतर जानते हैं मुख्यमंत्री, ये जो सड़क है जी। वो NH 133 हाँ, और सभी को जानता है इस बात को कि सड़क को की मरम्मति हो चाहे सड़क का निर्माण हो वो केंद्र सरकार के पास है। मई के महीने में ये सड़क NHAI को दे दिया गया और इस रोड का कॉन्ट्रैक्ट भी अखबारों के माध्यम से हम लोगों को ये जानकारी हुई कि किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया। इसका काम जल्द क्यों नहीं शुरू हो रहा? राज्य सरकार का इसमें इस सड़क पर कोई योगदान नहीं हो सकता, ये केंद्र सरकार के ही नियम के अनुरूप है। इसके बावजूद जब से हम विधायक बने हैं यह सड़क बिहार में का भी कुछ हिस्सा इस सड़क पर आता है, फिर भी PWD से बोल करके हम लोग इस पे कभी कभी भराव कराते रहे हैं और सड़क कम से कम चलने की हालत में रहे उसको बना करके हम लोग रखे। लेकिन NHAI का काम क्यों नहीं शुरू हो रहा? पूर्ण तरीके से अगर सड़क नहीं भी बना पा रहे हैं ये लोग कम से कम लोगों के आम जनता के चलने फिरने के लायक इस सड़क को बना के रखना चाहिए। विधायक के अनुसार सड़क की मरम्मति का जिम्मा केंद्र सरकार का है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है। महकमा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने सुबह सुबह फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा है, आज ये मजबूरी है कि जनप्रतिनिधियों को खुद सड़क पर उतरना पड़ रहा है। ये भी गंगा जल है जो नदी नहीं सड़क पर है। ये मांग सड़क से शुरू हुई है और मैं सदन तक का इंतजार नहीं करूंगी। आज से अनिश्चित समय तक मैं यहीं रहूंगी जब तक काम शुरू नहीं होता। मुझे जनता ने भरोसा से प्रतिनिधि चुना है, जुमले की बात करने के लिए नहीं। विधायक दीपिका ने आगे कहा कि सरकार की छवि को खराब करने की मंशा मेरी नहीं, लेकिन इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। कोई भी व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में जनता के हाल को अगर खुद पर अमल करके देखे तो सच समझ में आएगा। जिस तरीके से जल समाधि की बात दीपिका पांडे सिंह ने फेसबुक पर रखी, उस तरीके से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने दीपिका पांडे सिंह को जवाब देते हुए फेसबुक पर ही अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि महकमा की कांग्रेस विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के खिलाफ धरने पर बैठी है। नेशनल हाईवे स्टेट पथ का निर्माण विभाग रख रखाव करता है। केंद्र सरकार ने 6 माह पूर्व ही 75 करोड़ की राशि इस सड़क की मरम्मति के लिए दे दी है। राज्य सरकार का पथ निर्माण विभाग जिसके मंत्री हेमंत सोरेन जी हैं की लापरवाही या कमीशन खोरी के कारण सड़क की मरम्मति नहीं हो पा रही है। सांसद ने आगे कहा कि इसके पहले भी कांग्रेस की ओर से महकमा दिघी पथ पर धान रोपनी की जा चुकी है। मैंने उस दिन भी कहा था कि यह राज्य सरकार का रोड है। कल ही इस पथ का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी ने किया, विधायक जी उनके साथ थी।